आज हिमाचल कर्मी सेना के सदस्यता अभियान के तहत आज हम जसवां परागपुर में हिमाचल कर्मी सेना का की बैठक संपन्न हुई, जिसमें हमारे साथ हमारे जिला कांगड़ा के अध्यक्ष आशुतोष चौधरी जी, जसवां परागपुर विधानसभा के अध्यक्ष रामस्वरूप जी, हमारे साथ आईटीसी जो कनीश सैनी जी और भारतीय सेना से आए हमारे जवान पंकज जी और सभी संजीव जी, महंत जी, आज सब लोग हमारे इस बैठक में उपस्थित रहे। हिमाचल कर्मी सेना पिछले 2 सालों से हिमाचल प्रदेश में काम करती आ रही है और आज संगठन के विस्तार के तहत हमने आज जसवां परागपुर में अभियान का आगाज किया, जिसमें हमारे साथ यहाँ सैकड़ों स्थानीय निवासियों ने हिमाचल कर्मी सेना की सदस्यता ग्रहण की और इसी के साथ साथ हमने पूरे हिमाचल प्रदेश में आगामी 2-3 दिनों में हमने सदस्यता अभियान के कार्यक्रम रखे हैं, जिसके साथ साथ हम सब लोगों को प्रेरित कर रहे हैं हिमाचल कर्मी सेना के साथ जुड़ने के लिए। हमने पहले भी कहा था कि हम 5 मुद्दों पर हिमाचल कर्मी सेना कार्य कर रही है, जिसमें सबसे पहले कि हिमाचल प्रदेश के अंदर बढ़ रही बेरोजगारी के ऊपर सरकार को गंभीर होना पड़ेगा। हम आने वाले समय में सरकार के ऊपर दबाव बनाने का कार्य करेंगे और इस बेरोजगारी से कैसे लड़ा जाए इसके लिए सरकार को ठोस रणनीति बनानी पड़ेगी, इसलिए हम आने वाले समय में सरकार के ऊपर दबाव बनाने का कार्य करेंगे। उसी के साथ हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं कि नशा जिस तरीके से बढ़ रहा है, उस नशे को ऊपर रोक लगाई जाए और ताकि हिमाचल प्रदेश का युवा इस नशे की चपेट में ना आए, इसीलिए आने वाले समय में हिमाचल कर्मी सेना नशे को रोकने के लिए भी प्रशासन के साथ उनका साथ देगी। उसी के साथ हिमाचल प्रदेश में एक महत्वपूर्ण मुद्दा ओल्ड पेंशन स्कीम, हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर परिवार जो है सरकारी नौकरियों के भरोसे हैं, इसीलिए कुछ समय पहले सरकार ने पुरानी पेंशन बंद कर दी थी, तो उस पुरानी पेंशन जो बंद की तो कैसे बहाल किया जाए, इसके लिए हम सरकार के ऊपर आने वाले समय में दबाव बनाएंगे। साथ ही सीमेंट सरकारी दामों पर यहाँ पे मिलना चाहिए, इसीलिए आने वाले समय में करने से उस पर भी अपनी बात रखेंगे। एक पांचवा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, हिमाचल में आप सब लोग जानते हैं कि ऑस्टियो का मुद्दा है और सबसे बड़ी बात कि वहां पे बांध है हिमाचल प्रदेश के अंदर जहां बिजली बनती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर ही बिजली सस्ती नहीं है जहां पे पैदा होती है, और जिन राज्यों में बिजली खरीदी जाती है उन राज्यों में बिजली फ्री है। इसीलिए हम यदि कोई आवाज उठाए ना उठाए, कोई राजनीतिक दल आवाज उठाए ना उठाए, हम एक समाज सेवी होने के नाते अपनी भूमिका समझते हैं कि हम आने वाले समय के ऊपर हिमाचल प्रदेश में कैसे 200 यूनिट बिजली हर परिवार में फ्री होनी चाहिए, यह हम दबाव बनाएंगे, क्योंकि हिमाचल में बिजली बनती है और सरकार को बिजली फ्री करने में भी सरकार को कोई दिक्कत ना आनी चाहिए। इसलिए आने वाले समय में यदि हमें सड़कों पर उतरना पड़े तो हम सड़कों पर भी उतरेंगे। हम सिर्फ सरकार को यह चेतावनी देना चाहते हैं कि हिमाचल इस समय कोरोना का दूसरी वेव चल पड़ी है, हम सरकारी गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं करना चाहते, लेकिन यदि सरकार इसी तरह मूर्ख बन के रहेगी तो निश्चित तौर पे हमें आने वाले समय में सड़कों पर उतरना पड़ेगा, इन बंदिशों को हमें तोड़ना पड़ेगा और आपके हमें विधानसभा का घेराव भी यदि करना पड़े तो हमारे लाखों हजारों कर्मी सैनिक जो है आप सबके विधानसभा के पास घेराव करेंगे। ये इन 5 मुद्दों पे आज हम पूरे हिमाचल प्रदेश में कर्मी सेना अपनी दबाव बनाने का कार्य करेगी। आज विस्तार के नाते हम जसवां परागपुर में आए और यहाँ पे आप सबने देखा कि सैकड़ों पदाधिकारियों ने कर्मी सेना की सदस्यता ग्रहण की, लोगों ने सदस्यता ग्रहण की, महिला शक्ति ने भी खासतौर पर बढ़ चढ़कर सदस्यता अभियान में हमारा साथ दिया और मेरा यही आश्वासन, मेरा यही मैं कहना चाहूंगा कि आने वाले 1 साल में हम हिमाचल कर्मी सेना को 1 लाख से 5 लाख सदस्य बनाने का हिमाचल प्रदेश के कार्य करेंगे, ये मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं। धन्यवाद।
आप बताएं कि करनी सेना जो है हिमाचल में दो गुट पे बन गई है। हिमाचल में करनी सेना दो गुटों में काम कर रही है और हम पहले जिस संगठन के साथ थे हमें लगा कि हमारी विचारधारा तक नहीं मिल रही, इसलिए हिमाचल प्रदेश में अलग से हम स्वरूप खड़ा कर रहे हैं और उसी के तहत आज हमने जो एक कार्यक्रम किया इसमें आपने देखा कि हिमाचल करनी सेना के साथ सैकड़ों लोगों ने भी सदस्यता ग्रहण की। नहीं तो अभी जो आप कार्य कर रहे हैं ऐसे क्या कारण है कि करनी सेना को दो गुटों में बढ़ा दें? मैं वही बता रहा हूँ ना, हम प्रादेशिक मुद्दे उठाना चाहते थे लेकिन पहले हमने कोशिश की लेकिन उस तरीके से नहीं उठा पाए जिस तरीके से हमें उठाना चाहिए था, लेकिन हम चाहते हैं अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर हम केवल हिमाचल पे ही ध्यान करें, हिमाचल पे ही फोकस रखें क्योंकि हिमाचल के मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। तो यदि हम कहीं और ध्यान रखेंगे तो हम प्रादेशिक मुद्दे नहीं उठा पाएंगे, इसलिए हमने सोचा कि हम अलग से हिमाचल प्रदेश के अंदर अलग स्वरूप में काम करेंगे। प्रारंभिक मुद्दा क्या रहेगा अभी आपका? अभी मैंने बताया ना आपको पांच मुद्दे हैं कभी जो आप स्टार्टिंग जब शुरू करेंगे। अभी जब हमने पहले भी कहा कि हम पहले करने हम करते आ रहे हैं, हमने अलग अलग जगह से बात रखी है, हमने सामाजिक मुद्दों पे बात रखी है और जो मैंने आपको पांच मुद्दे बताए बिजली हिमाचल प्रदेश के अंदर, हमने पहले भी कहा कि यदि कोई सरकारें या कोई भी राजनीतिक दल इस बात को उठाए या ना उठाए हम 200 यूनिट हिमाचल प्रदेश में बिजली फ्री करने के लिए हम अपनी आवाज आने वाले समय बुलंद करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ पे प्रेस के हमारे साथी हैं, मैं इनका भी माफी चाहता हूँ, इनका भी मैं आने पे यहाँ पे स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ क्योंकि बड़े व्यस्त होते हैं और बहुत कम समय देते हैं, तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रेस के साथियों का। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे बापू गंगादास जी टीवीएस शोरूम कीरतपुर साहिब। यहाँ से टीवीएस की कोई भी गाड़ी खरीदने पर मिलेंगे 3 आकर्षक उपहार, नकद गाड़ी खरीदने पर 2500 रुपए की छूट, फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध, 4500 का भुगतान कर कोई भी गाड़ी ले जाएं अपने घर, 5 साल की इंश्योरेंस, 5 साल की वारंटी और 2 साल तक निःशुल्क सर्विस की सुविधा के साथ और भी कई लाभ पाएं। यह मौका हाथ से न जाने दें और पहुंचे टीवीएस गाड़ी खरीदने के लिए टीवीएस शोरूम बापू गंगादास जी कीरतपुर साहिब। वसीम गारमेंट मेन मार्केट वाली दुकान बदलकर अब नंगल भाखड़ा मुख्य मार्ग पर खुल गई है। यहाँ आपको मिलेंगे बच्चों से लेकर लेडीज बच्चांस के एक से बढ़कर एक खूबसूरत डिजाइनों के ब्रांडेड कपड़े, वह भी होलसेल रेट पर। तो जरूर एक बार सेवा का मौका दे क्योंकि एक बार आओगे तो बार बार आओगे, यह दावा है वसीम गारमेंट्स का। वसीम गारमेंट 82 हिलव्यू एनक्लेव भाखड़ा रोड, संपर्क करें फोन नंबर 94364-85560-88974। सारे नगर निवासी राष्ट्र विनती करते हैं कि सानू एक बारी सेवा का मौका दो और बाजार नालों सस्ते दाम पे हर आइटम मिलेगी,